नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आज हमारा लेक्चर नंबर है 14। आज के लेक्चर में हम कुछ सीखने वाले हैं, कुछ बड़ा कुछ लिखा नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, जो चीज़ें हमें आगे 11th में और 12th में यूज़ होने वाली है। अभी पिछले लेक्चर में हमने कुछ स्टार्ट किया था, कुछ रियल नंबर्स के बारे में हमने कुछ स्टार्ट किया था, उसको इधर आगे हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है। ओके, तो नजरें स्क्रीन पर रहनी चाहिए आपकी। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखो, नोट, पिछले लेक्चर में दो हम नोट करने वाली चीजें देखी थी हमने। ओके, तो अभी नंबर नोट नंबर थ्री क्या लिखा है, एवरी स्क्वायर रूट ऑफ ओनली नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स इज अ डिफाइंड। ओके, ये पहला वाला पार्ट है। और सेकेंड लिखा है ऑड स्क्वायर रूट, इवन स्क्वायर रूट एंड ऑड स्क्वायर रूट। ओके, उनके बारे में हम देखेंगे, तो जरा उसको जरा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। चलो ठीक है, इस वाले पार्ट को जरा हम क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। ओके, नॉन नेगेटिव बात करेंगे, उसके बाद ये वाला पार्ट मींस स्क्वायर रूट, इवन स्क्वायर रूट्स एंड हमारा ऑड स्क्वायर रूट, इसकी हम बातें करेंगे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके सर, आज के लेक्चर में इवन और स्क्वायर रूट्स और ऑड स्क्वायर रूट, ये कुछ थोड़ा सा बहुत ही इजी लग रहा है। इजी नहीं है, इसी में हम गलतियां बहुत करते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं क्या है। देखो, जब हम इवन स्क्वायर रूट की बात करते हैं, जब हम इवन स्क्वायर रूट, ओके, कि जब बात करते हैं, तब स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट में यहां पे कोई नहीं, इसका मतलब क्या होता है, वो टू होता है। ओके, यहाँ पे कोई एक नंबर होता है। ओके, तो इज इक्वल टू, पिछले लेक्चर में देखा था कि समझो रूट में कोई नंबर है, कोई स्पेसिफिक नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो उसका पावर जो भी हो, आंसर आपका पॉजिटिव में ही आएगा। सेम समझो यहाँ पे स्क्वायर रूट में हमने कुछ लिया है, एक नंबर लिया है, कुछ भी हो, मैंने उसको बादल में डिफाइन किया है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे टू है, उसके बाद नेक्स्ट आगे हम क्या करेंगे, ये टू है, ये आपका फोर है, मीन ये इवन स्क्वायर रूट की बातें कर रहे हैं हम। ओके, देन यहाँ पे कोई और एक नंबर होगा, ठीक है, देन इज इक्वल टू, जो भी है, इसको लिखते कैसे हैं, मीन्स लिखते कैसे हैं, बादल अंदर जो भी नंबर है उसके पावर में हम क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। यहाँ पे 4 है तो उसके पावर में हम लिखेंगे 1/4। ठीक है, ओके, जैसे समझने वाली बात, ऐसे वो एक्सटेंड होके कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 2n तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 2n तक जाएगा, और यहाँ पे कोई भी एक बादल होगा। ओके, देन बादल मीन्स एक नंबर होगा सर। ठीक है, चलो, तो इसके पावर में क्या होगा, 1/2n। कभी भी याद रखो, इस वाले इवन रूट वाले पार्ट में कभी नेगेटिव नंबर आता है, तो नेगेटिव नंबर का पावर 1/2n हो, तो वो क्या होगी हमारी, उसका आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइन हो, क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, ओके, ये वाला पार्ट तो समझ में आया। ओके सर, नेक्स्ट नेक्स्ट सर, और क्या हम हमारे लिए और क्या है, फिर हमने इवन स्क्वायर रूट की बात की, अभी ऑड की बात करते हैं। ऑड स्क्वायर रूट, ऑड स्क्वायर रूट में सर क्या बताने वाले हैं? ओके, चलो, वे दोनों में लिखने से पहले यहां पे क्या दिया है, देखो, इवन स्क्वायर रूट ऑफ ओनली नॉन नेगेटिव रियल नंबर, इसका मतलब, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जीरो प्लस क्या लेंगे, थोड़ा सा उसको इरेज करते वापस लिखते हैं, क्या होगा, 0+ पॉजिटिव नंबर, 0+ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, मींस नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, 0+ पॉजिटिव नंबर। ओके, देन ये वाला पार्ट समझ में आया, मींस इसमें 0 भी आएगा और एक पॉजिटिव नंबर भी आएगा। ठीक है, देन बट यहाँ पे नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि आपको मैंने बताया, जब स्क्वायर रूट में जब नेगेटिव नंबर आता है, ऐसा कुछ जो नेगेटिव नंबर आता है, तो उसकी जो हम ये लेंगे आंसर क्या होगा, इसका नॉट डिफाइन होगा, मींस उसको हम लिखेंगे कैसे, उसके रूट में कोई नेगेटिव नंबर है, उसके पावर में 2n है, तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइन। ठीक है, ओके सर, अभी ये इवन स्क्वायर रूट का बताया सर, नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे ऑड स्क्वायर रूट क्या होता है। ऑड स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, देखो, ऑड का मतलब आपको पता है, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1, 3, 5 समथिंग, तो 3 से हम स्टार्ट करते हैं। समझो यहाँ पे कोई एक नंबर है, ओके, तो यहाँ पे 3 लिया, तो क्यूब रूट बोलते हैं, 4th रूट 5th रूट, उसके बाद 4th मीन्स आएगा इसमें, इवन में आएगा, देन इसके आगे क्या होगा हमारा, इसके आगे होगा हमारा 5th रूट, इसके आगे क्या होगा,
ओके सेवेंथ रूट, ओके इसका मतलब क्या, वो आगे एक्सटेंड होगा, उसको हम लिखने का तरीका इवन जैसा ही है, मीन्स उसको लिखेंगे कैसे वो, ओके इसको लिखेंगे रेस्ट टू में हम क्या लिखेंगे 1/3, इसके रेस्ट टू में लिखेंगे 1/5, इसके रेस्ट टू में लिखेंगे 1/7। जब इसको आगे आप एक्सटेंड करते हो ना, आगे एक्सटेंड करने के बाद वो जो नंबर आएगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे कोई भी देखिए, चलो ठीक है, तो यहाँ पे जब हम कोई ऐसे लास्ट वाला नंबर जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारा 2n+1 रहेगा, ठीक है ओके, क्योंकि ऑड के लिए 2n+1, इवन के लिए सिर्फ 2n, तो यहाँ पे क्या होगा पावर में 1/2n+1। ओके तो फिर सर इधर 0 प्लस पॉजिटिव नंबर है, इधर क्या होगा, इधर सर इधर इस वाले पार्ट में कभी भी याद रखो क्या क्या हो सकता है, एक तो पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे आपका पॉजिटिव 0 और नेगेटिव नंबर, ये दो तीनों भी उसमें हो सकते हैं, ठीक है ओके। ये वाला पार्ट किस लिए है, नेगेटिव के मीन्स ऑड स्क्वायर रूट के लिए है, और ये वाला पार्ट किस लिए है, इवन स्क्वायर रूट के लिए, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है देखते हैं, सिंपल देखो नेक्स्ट वाले पार्ट में आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स क्या होता है देखो, एग्जांपल्स मैं लेता हूँ, समझो 8 raised to 1/3 लिया मैंने, 8 raised to 1/3, तो इसका आंसर क्या आएगा, सिंपल देखो जब आप ऐसे लिखते हो x³ = 8, तो क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, बराबर। इसका मतलब क्या होता है, 2 की पावर 3 करोगे तो आंसर क्या आएगा 8 आएगा, ओके तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 2। देन नेक्स्ट वाला एग्जांपल हम लेते हैं, समझो -8 लो और उसकी पावर 1/3 लो, तो आंसर आपका 2 आएगा कि -2 आएगा, आंसर आपका मैं सिंपल देखो x³ = -8, ओके ऐसे लिया हमने, तो x की वैल्यू क्या आएगी, हमारी x की वैल्यू आएगी -2 आएगी, ओके इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा -2, ओके ये हुई हमारी समझने वाली बात, इसको हम बोलेंगे समझने वाली बात, ठीक है ओके सर। अभी देखो ये वाला पार्ट हमने सिंपलिस्ट देखा, इसके आगे देखते हैं और कौन सी नोट हमने लिखी है, देखो और हमने कुछ नोट्स लिखे हैं, देखो नोट्स नंबर 4 क्या लिखा है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैंसिलेशन इज ओनली वैलिड फॉर नॉन जीरो नंबर्स एंड एक्सप्रेशन, ओके अभी इसके बारे में और भी आगे देखेंगे, फिलहाल इस पॉइंट में क्या करते हैं, देखो इस पॉइंट में हम समझो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है देखो, समझो मैंने लिया x² = 2x, तो आपके दिमाग में डायरेक्टली एक घंटी बज जाएगी, घंटी क्या होगा सर, घंटी कैसे बजेगी सर, ये स्क्वायर और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, बराबर ना, एक घंटी बज जाएगी आपके, तो आप क्या करोगे डायरेक्टली इसको कैंसिल करके x = 2 लिखोगे, तो ये जो मैंने लिखा है ये क्या है, रॉन्ग है, रॉन्ग क्यों है और इसको सही कैसे बनाना है वो हम देखते हैं, चलो ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है सर, तो x² - 2x = 0, इसको इस साइड लेके आओ तो क्या होगा, नेगेटिव बनेगा, इसमें से x कॉमन लो तो क्या होगा, x - 2 = 0, तो आंसर क्या बनेंगे, एक तो x = 0 और x = 2, तो x के दो वैल्यूज आएंगे, कौन से 0 और 2, ओके अब देखो सर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें देखो डायरेक्टली आप 2 लिख रहे हो, ये गलत बात है, ओके जब आप 2 लिखते हो, जब आप 2 लिखते हो तो इस वाली कंडीशन में x क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा इस वाली कंडीशन में, ठीक है तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, x = 0, 2, तो इसके दो वैल्यूज आते हैं x = 0 और x = 2, ठीक है ये वाला पार्ट आपको समझ में आया, ऐसे मैं समझता हूँ। हमने सिंपलेस्ट क्या किया है कि उधर दोनों को अलग किया और डायरेक्टली सॉल्व किया, ये वाला पार्ट रॉन्ग है, ये वाला पार्ट क्या है, रॉन्ग है, सिंपल देखो और एक पार्ट हम देखते हैं, समझो मैंने लिया जनरल फॉर्म के बारे में बात करेंगे, जनरल फॉर्म कि क्या हो सकता है, जनरल फॉर्म समझो मैंने लिया इसमें, समझो हमने इस वाले पार्ट की जब हम बात करते हैं तब समझो मैंने ऐसे लिया अल्फा बीटा
इज इक्वल टू अल्फा आर। तो ये देखने के बाद आपके दिमाग में क्या क्लिक होता है सर? सर क्लिक ये होता है कि इसको आगे इस साइड लेके आना है, बराबर करेक्ट है सर आपका? तो अल्फा बीटा माइनस अल्फा आर, सॉरी अल्फा आर इज इक्वल टू जीरो। इसमें से कॉमन क्या आएगा, इसमें से कॉमन क्या है, अल्फा कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में क्या आएगा, बीटा माइनस आर बराबर ना इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या होता है, जब हम एक तो आपके वैल्यू क्या आएगी अल्फा इज इक्वल टू जीरो, और सेकेंड वैल्यू क्या आएगी, इसमें से सेकेंड वैल्यू आपके आएगी और बीटा माइनस आर इज इक्वल टू जीरो, मीन्स बीटा इज इक्वल टू आर, मीन्स आपके पास दो वैल्यूज आपको मिले, ठीक है। मीन्स एक कंपैरिजन हमने बताया कि एक एक्सप्रेशन बताया कि उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा सही है, ओके। जब हम ऐसे लिखते हैं तो डायरेक्टली रॉन्ग, मीन्स डायरेक्टली वो टू नहीं हो सकता, तो वहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तभी हम बोल सकते हैं ये सही है, ठीक है। ओके ओके चलो ठीक है, ओके। ये वाला पार्ट आपको समझ में आए, ये कंसेप्ट आपको समझ में आए तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ओके वीडियो पॉज करके भी आप क्या कर सकते हो, उसको लिख के ले सकते हो, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। ओके इस लेक्चर में और आगे वाले लेक्चर, आने वाले लेक्चर में बेसिक आइडेंटिटीज और फैक्टराइजेशन की कंसेप्ट जो मैंने हमें देखी, बेसिक बेसिक चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्या क्या बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या है, नंबर सिस्टम क्या होती है, सेट्स क्या होते हैं, सिंबल्स कौन कौन से यूज करेंगे, सिंबल की बातें हमने पहले वाले लेक्चर में देखी थी, ओके पहले वाले लेक्चर में देखी थी, मीन्स क्लोज ओपन, वैसे बहुत सारे सेट में ऐसे सिंबल्स हैं जिसके बारे में हम देखेंगे, उसके मीन्स की बातें करेंगे, ठीक है। मैंने लिखा है बातें करेंगे, ओके। ये सब होने के बाद नोट फाइव में, नोट फाइव में मैंने क्या लिखा है देखो, स्क्वेयर इन ब्रैकेट फॉर इवन पावर्स, स्क्वेयर फॉर इवन पावर्स ऑफ एनी नंबर्स और एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव और कैन बी जीरो, ओके। इसका मतलब क्या है सर, इसका मीनिंग क्या है सर? मीन्स मीनिंग ये है, जब कोई भी आप नंबर लेते हो, नंबर और एक्सप्रेशन की बात करते हो, एक्सप्रेशन की जब बात करते हो, जब उसकी पावर इवन हो, मीन्स टू हो, फोर हो, सिक्स हो, जितना चाहिए उतना आप आगे उसको एक्सटेंड कर सकते हो, जब उसको आप एक्सटेंड कर रहे हो, मीन्स पावर क्या इवन ही है, नंबर चेंज हो जाएगा सिर्फ, तब ये जिस जो भी इसमें नंबर्स आएंगे और जो भी एक्सप्रेशन आएंगे, नंबर्स हम मैं लूँ 3/2, ओके माइनस 11, माइनस 2/3, ओके अप टू सो ऑन, जितने भी नंबर्स आएंगे और जितने भी नंबर्स आएंगे और जितने भी एक्सप्रेशन आएंगे, ओके और एक्सप्रेशन लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अप टू सो ऑन, जितने भी एक्सप्रेशन आएंगे उनकी वैल्यूज जो डिफाइन होगी वो क्या रहेगी, ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, वैल्यूज क्या रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी सर, ओके सर। तो सर मुझे बताओ तो जीरो के लिए क्या होगा, जीरो के लिए क्या होगा, जब आप जीरो की जब बात करते हो, जब आप जीरो की बात करते हो ना, तब जीरो के पावर में कोई भी इवन नंबर हो, टू हो, फोर हो, सिक्स हो, तो उसका आंसर ऑलवेज क्या होगा, जीरो ही होगा, ठीक है। ओके एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट पेज में, एग्जांपल क्या है देखो सर, एग्जांपल लेते हैं एक्स माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये देखने के बाद इसके वैल्यूज क्या क्या आ सकते हैं, सिंपल देखो, इसकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव में आएगी, इसकी वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी, इसकी वैल्यू आपकी जीरो भी आ सकती है, जीरो कब, कब जीरो आएगी, जब एक्स की वैल्यू आप वन लोगे तब, तब वैल्यू जीरो आ सकती है, बट इसकी वैल्यू कभी इस पॉइंट के लिए, इस एक्सप्रेशन के लिए जो मैंने कंडीशन बताई पीछे वाली कंडीशन में, तो उसमें मीन्स कौन सी वाली, इस वाली कंडीशन के लिए, इस वाले कंसेप्ट के लिए यहाँ पे वैल्यू जिसकी नेगेटिव नहीं आ सकती, जब आप नेगेटिव बोलते हो, ओके मीन्स नहीं आ सकती, नेगेटिव नहीं आ सकती, ठीक है। एक्सप्रेशन रीड करो, वीडियो पॉज करके देखो क्या क्या मैंने किया है, ये वाला कंसेप्ट पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको समझ में आया है तो आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत इजी इजी पार्ट ले रहे हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो आपको, सिंपल सिंपल कंसेप्ट जो आपको आगे मैथमेटिक्स में थ्योरी पार्ट में उसका यूज होने वाला है। चलो ठीक है नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं।
ओके सर, सर ये आपने क्वेश्चन कौन सा लाया सर, ये वाला क्वेश्चन आपने हमारे लिए कौन सा लाया? चलो ठीक है, क्वेश्चन देखते क्या है बच्चों। इफ ए बी सी आर रियल नंबर्स, सेक्शन टू सा क्वेश्चन है ये, क्या जेईई मेंस वाला वगैरह क्वेश्चन नहीं है। सिंपली हमने देखना है कि कैसे उसको सॉल्व करना है और उसके क्या क्या नोटेशन आ सकते हैं उसके बारे में हम बातें करेंगे, ठीक है सर। चलो सर, इफ ए बी सी आर रियल नंबर्स सेटिस्फाइंग द ए माइनस टू बी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बी प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर एंड नेक्स्ट दिया इज थ्री सी माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, आपको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपके दिमाग में डायरेक्टली क्या होगी, ट्यूबलाइट पेट जाएगी। तो जरा मुझे बताएगा कोई इसको सॉल्व कैसे करें, जो एक्सप्रेशन दिया है वो पहले मैं लिख लेता हूँ, ए माइनस टू बी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बी प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर, उसके बाद हम लेंगे थ्री सी माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो आपको दिमाग में क्या कंसेप्ट आ जाएगी, चलो कंसेप्ट क्या आती है देखो, इस वाले पार्ट को लेते हैं और इस वाले पार्ट को लेते हैं और हम क्या करते हैं उसको इज इक्वल टू जीरो बोलते हैं, ठीक है। देन देखो इस वाले पार्ट को हम लेंगे ए माइनस टू बी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे लेंगे b प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे लेंगे थ्री सी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। सर ये सब करने ये क्यों कर रहे हो आप, हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, इसलिए उसको सॉल्व कैसे करना है, एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, परफेक्टली मीन्स कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर कैसे करना है, वो भी हम आगे के पॉइंट में देखेंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ये दोनों सॉल्व करने से पहले ये सॉल्व करो, तो b की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, माइनस वन, तो ये इधर पुट आउट करो तो क्या हो जाएगा, a माइनस टू इन ब्रैकेट माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो a बन जाएगा a प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो a की वैल्यू बनेगी a इज इक्वल टू टू, ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में आया। ओके, b की वैल्यू फाइंड की, ओके अभी आपके पास a की वैल्यू आई, आप c की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, तो थ्री सी इन माइनस a की वैल्यू क्या आई है, टू आई है, इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 3c is equal to 2 minus 2 जाएगा plus 2 हो जाएगा, तो c is equal to 2 upon 3, ओके okay? ये तीन वैल्यूज फाइंड किया आपने सर, ओके okay, इसके आगे सर ये जो पार्ट दिया ना आपको, ये वाला जो पार्ट दिया है इसमें इसकी वैल्यूज पुट आउट करो, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तो therefore a plus b plus c is equal to आपको फाइंड करना है, ठीक है, तो a plus b, a की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है, a की वैल्यू हमारी है 2a, ओके चलो ठीक है, ओके सर प्लस, हाँ इधर माइनस टू आएगा, गलती हो गई, माफ कर दीजिए सर, यहाँ पे माइनस टू आता है, चलो ठीक है। इसके आगे हम लेंगे b की वैल्यू है हमारी माइनस वन, तो यहाँ पे आएगा माइनस वन, उसके बाद लास्ट स्टेप में है c की वैल्यू है हमारी प्लस टू अपॉन थ्री, ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे सर, नेक्स्ट माइनस टू माइनस वन, इसका आंसर आएगा माइनस थ्री, माइनस थ्री प्लस टू अपॉन थ्री, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, थ्री थ्री जा नाइन, माइनस नाइन प्लस टू अपॉन थ्री, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस नाइन प्लस टू, नाइन गया एट गया तो बचेगा, नाइन गया एट गया तो आंसर क्या आएगा, देखो जरा दो मिनट रुको, हाँ एक 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 मिस्टेक हुई है, एक मिस्टेक हो चुकी है सर, ओके देखते जरा क्या मिस्टेक हुई है, ओके देखते इधर देखो, इधर ये माइनस टू हम पुट आउट करेंगे बराबर, माइनस टू पुट आउट करने के बाद यहाँ पे माइनस आएगा बराबर, ये माइनस माइनस होगा प्लस बराबर, प्लस उधर जाने के बाद क्या होगा, वापस माइनस, तो यहाँ पे होगा माइनस टू अपॉन थ्री, यहाँ पे हम चेंज करके क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी माइनस आएगा, ठीक है, तो ये वाला पार्ट में थोड़ा सा इरेज करता हूँ और यहाँ पे आएगा माइनस, चलो ठीक है अब सॉल्व करते हैं, तो ये होगा माइनस थ्री माइनस टू अपॉन थ्री, ओके तो इसका आंसर क्या बनेगा सर, थ्री थ्री जा नाइन, माइनस नाइन माइनस टू अपॉन थ्री, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइन प्लस टू इलेवन, तो माइनस इलेवन अपॉन थ्री, दिस इज द आंसर, ओके ठीक है, इजीली आपको ये सॉल्व करने के तरीके हैं, ओके okay, इसको आगे कैसे रिप्रेजेंट करना है मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो इसके आगे हम देखते हैं कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे, ब्रैकेट में जो लिखे हुए हैं कंसेप्ट है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे बताएंगे, ओके okay, चलो देखते हैं रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ठीक है ओके okay, अभी देखो रिप्रेजेंटेशन में ये बाद में करने वाले हैं, तो थोड़ा सा ऐड करते हैं इसमें स्लाइड में, ठीक है ओके okay।
यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वो लिखते हैं a माइनस टू बी ब्रैकेट स्क्वायर, वो लिखते हैं a माइनस टू बी ब्रैकेट स्क्वायर, ओके यहाँ पे लिखते हैं a माइनस टू बी ब्रैकेट स्क्वायर, ओके उसके बाद क्या था हम प्लस b प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस b प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस उसके बाद क्या था प्रीवियस में क्या था 3c माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर, 3c माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर, ओके चलो अभी ये जो इसका जो हम क्या करेंगे इस वाले पार्ट का रिप्रेजेंटेशन बताएंगे रिवर्स वाले कंडीशन की बात करेंगे उल्टा, ओके रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे देखो पहली बार ब्रैकेट को सॉल्व करो ए स्क्वायर, ओके ए स्क्वायर माइनस ए तो माइनस आएगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए मीन्स यहाँ पे आएगा टू टू जा फोर, फोर आएगा यहाँ पे, फोर आएगा फोर ए बी और लास्ट में टू बी का स्क्वायर, टू बी का स्क्वायर आता है वहां पे प्लस फोर बी स्क्वायर, ठीक है ये वाला पार्ट हुआ प्लस इसको सॉल्व करो बी प्लस वन का मतलब क्या होता है बी स्क्वायर प्लस टू बी बराबर ना 2b प्लस 1 प्लस इसको सॉल्व करो 3c स्क्वायर का मतलब 3 3 9 c स्क्वायर उसके बाद और क्या बचेगा सर और क्या बचेगा माइनस साइन है तो यहाँ पे आएगा माइनस 3 2 6 6 ac ओके उसके बाद लास्ट में प्लस a स्क्वायर ठीक है ये सब हमने किया हम ब्रैकेट वाले मल्टीप्लिकेशन मींस ब्रैकेट का जो मैं ब्रैकेट को स्प्रेड आउट किया रिप्रेजेंटेशन बताया उसका ठीक है a प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्मूले यूज करके ठीक है अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a² बन जाएगा ओके उसके बाद बी स्क्वायर देखो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर 5b² बराबर ना प्लस 5b² ओके सी स्क्वायर है इधर सी स्क्वायर आपका जो एज इट इज वही मीन प्लस 9c² ठीक है उसके बाद क्या होगा सर उसके बाद होगा ये माइनस 4ab उसके बाद होगा प्लस 2b उसके बाद होगा माइनस 6ac हो गया ना सब प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ठीक है ये मैंने क्या किया मैं ब्रैकेट को सॉल्व किया उसका रिप्रेजेंटेशन डिफाइन किया ठीक है अब देखो कंप्लीट स्क्वायर मेथड कंसेप्ट क्या होती है ओके पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर कंप्लीट स्क्वायर मेथड के ऊपर जाते हैं मींस क्या करेंगे उसमें देखो इसमें देखो ये वाला जो पार्ट है ना ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट इन तीनों पार्ट की हम बातें करेंगे ठीक है अभी देखो इस वाले पार्ट के लिखने के दो तरीके हैं इस वाले पार्ट को लिखने के दो तरीके हैं उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस टू टू ए इंटू बी ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस टू ए मीन्स यहाँ पे होगा टू बी सॉरी इधर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है ओके यहाँ पे हो जाएगा ए और लास्ट के ब्रैकेट में टू बी ठीक है इसको लिखने का तरीका कैसे है देखो यहाँ पे टू बी है इसका मतलब टू इंटू बी इंटू वन टू इंटू बी इंटू वन बराबर तो ये कौन सा फॉर्म बनेगा हमारा ये फॉर्म ये टू को जरा साइड में रखो तो यहाँ पे बनेगा गया बी प्लस मीन्स यहाँ पे होगा बी प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर मीन्स का मतलब क्या होता है बी स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर वो होता है बीस मीन्स बी स्क्वायर प्लस वन उसका मतलब हम उसको हम लिख कैसे लिख सकते हैं बी प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर में लिख सकते हैं चलो ठीक है इसको कैसे लिखेंगे ओके चलो ये इनकी बात करते हैं अब देखो टू ए का स्क्वायर करो टू ए का स्क्वायर क्या आएगा 4a² बराबर और बी का स्क्वायर करो तो क्या आएगा प्लस बी स्क्वायर ठीक है यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आएगा a का स्क्वायर a स्क्वायर और इसका स्क्वायर क्या आएगा प्लस 4b² ओके अब देखो आपके इक्वेशन में ऑर्डर क्या है देखो आपके मेन वाले इक्वेशन में 2 से बड़ा कोई पॉइंट कोई a स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 2 है तो इधर a स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 2 ही होना चाहिए तो 4 कभी हो नहीं सकता तो ये वाला पार्ट गलत हो सकता है इसका हम यूज करेंगे ठीक है ओके उसके बाद इसका हम यहाँ पे यूज ये इजी था ओके तो 3 माइनस 6 ए सी को कैसे लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं मीन्स कैसे लिखेंगे माइनस 3 इन ब्रैकेट
उसको कैसे लिख सकते हैं, एक तो 2a और c, और दूसरा लिखने का तरीका कौन सा है, माइनस 3 इन ब्रैकेट, उसको लिखेंगे कैसे हम और यहाँ पे लिखेंगे 2c, ठीक है। तो 2a का स्क्वायर करो, 2a का स्क्वायर क्या आएगा, ओके इसका स्क्वायर इधर करता हूँ मैं और इसका स्क्वायर इधर करता हूँ, ओके इसका स्क्वायर क्या आएगा, इन इसका स्क्वायर 2a का स्क्वायर, ओके 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, ओके उसके बाद c का स्क्वायर क्या आएगा, प्लस c स्क्वायर और ये आगे वाला पार्ट माइनस 3 इन ब्रैकेट 2a इंटू c, ठीक है। ये वाले पार्ट की बात करते हैं, a का स्क्वायर क्या आएगा, a का स्क्वायर आएगा a स्क्वायर और प्लस 2c का स्क्वायर क्या आएगा, 4c स्क्वायर, बराबर ना, 4c स्क्वायर माइनस 3c माइनस सॉरी ओके माइनस 3 इन ब्रैकेट ए, ओके देन 2c, ओके अब देखो मैंने पहले बता के रखा है एक ही एक स्क्वायर का गुणन क्या है 2 है, तो 4 कभी नहीं हो सकता, इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या है, गलत है, ये वाला पार्ट हमारा गलत है, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, सही है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, a माइनस 2b ब्रैकेट स्क्वायर, ये आएगा एज इट इज रहेगा, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, a माइनस 3c ब्रैकेट स्क्वायर, मीन्स इस वाले पार्ट को हम इस वाले पार्ट को कैसे लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट को 4ab को कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए पहला वाला पार्ट क्या रहेगा, a माइनस 2b ब्रैकेट स्क्वायर, साइन क्या है, बीच में साइन है हमारा, प्लस 2b की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2b की जगह पे b प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते हैं, और लास्ट वाला साइन है माइनस, तो वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस 3c ब्रैकेट स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं वहां पे, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको समझ में आया, मींस मैंने क्या किया, ये दिया था उसका रिप्रेजेंटेशन डिफाइन किया, और उसके बाद तीनों पार्ट्स लेके उसको मैंने क्या किया, अलग अलग पॉइंट करके कौन सा गलत है कौन सा सही है, जो सही है उसका यूज करके ये वाला रिप्रेजेंटेशन बनाया, ये वाला रिप्रेजेंटेशन मैंने बनाया, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको समझ में आया, ऐसे में समझता हूँ, ठीक है। चलो चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके इसकी जो पीडीएफ वगैरह जो भी रहेगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, नहीं मिलती है तो वहाँ पे जी दिए गए नंबर पे आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो और पीडीएफ आपको उसी नंबर पे मिल जाएगी। चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, ओके अभी देखो नोट में मैंने नोट ऊपर लिखी है, पर नोट देखेंगे फिर एग्जाम्पल की बात करेंगे, ठीक है। नोट वाली चीज़ क्या है, देखो पहली बात यहाँ पे देखो, एक्स प्लस पी का स्क्वायर एंड एक्स माइनस पी का स्क्वायर क्या होता है, ये आपको ऑलरेडी पता ही है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, सर पहले आपने पी स्क्वायर क्यों लिखा, और कैसे भी लिख सकते हो, प्लस क्या होगा 2px, ठीक है, ओके इसमें कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्या होगा 2px, मीन्स माइनस साइन आ जाएगा, ओके ये वाला जो पार्ट आपको पता होना चाहिए, ओके क्यों, देखो जब मैं ऐसे लिखता हूँ, नोट करने वाली बात लिख रहा हूँ मैं, जब मैं ऐसे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर, जब मैं ऐसे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2px, एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, जब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो इस वाले पार्ट का मतलब क्या होता है, इस वाले पार्ट का मतलब क्या होता है, एक्स प्लस पी ब्रैकेट स्क्वायर, तो एक्स प्लस पी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ऐसे होता है, ठीक है, ओके उसके बाद इस वाले पार्ट की बात करते हैं, ये हैशटैग में लिखता हूँ, हैशटैग, ओके आपको समझ में आया है तो हैशटैग सुमित्र डालो, ओके ठीक है। चलो नेक्स्ट जो मैं ऐसे लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो इस वाले पार्ट का मतलब क्या होता है, इस वाले पार्ट का मतलब क्या होता है, इस वाले पार्ट का मतलब होता है x माइनस पी, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस पी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ओके अभी ये मैं क्यों ले रहा हूँ, ये क्यों आपको समझा रहा हूँ वो आपको देखते हैं। चलो अभी देखो ये वाला जो क्वेश्चन है उसका हम यूज करके इसका यूज करके सॉल्व करेंगे, मीन्स यहाँ पे हमने पहले क्या देखा, रिप्रेजेंटेशन की बात की, ओके उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी कंप्लीट क्या करेंगे, कंप्लीट सॉरी कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर
कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर जो मेथड अपने सीखी है उसकी हम बातें करेंगे। चलो ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया देखो, क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव। सॉल्व कैसे करें, कभी भी याद रखो पहली बार जब ऐसा दिया जाता है तो सेकेंड जो टर्म है उसको टू से डिवाइड करेंगे, टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू ब्रैकेट में सेवन अपॉन टू इंटू एक्स प्लस। अब देखो जब आप प्लस लिखते हो, प्लस वाला पार्ट लिखते हो तो कभी भी याद रखो ये सेवन अपॉन टू का स्क्वायर करो तो क्या आएगा, सेवन का स्क्वायर 49, टू का स्क्वायर 4। इसी टर्म को सब्सट्रैक्ट भी करो तो क्या होगा 49 अपॉन 4 और लास्ट के टर्म क्या आपकी प्लस 5। इसी को बोलूंगा मैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड, ठीक है। देन उसके बाद इस वाले पार्ट का मतलब क्या होता है, इस वाले पार्ट का मतलब क्या होता है, इस वाले पार्ट का मतलब होता है एक्स प्लस सेवन अपॉन टू ब्रैकेट स्क्वायर। ओके सर इसका आंसर क्या आएगा, प्लस मल्टीप्लीकेशन करो माइनस 49 माइनस 49 प्लस 20 आंसर आएगा, आई गेस आंसर आएगा 29 अपॉन 4, ये उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मीन्स ये हमने इस एग्जांपल के लिए किया कि उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो एग्जांपल है हमारा, नेक्स्ट वाला एग्जांपल क्या है देखो, ये वाला एग्जांपल मैं हिंट आपको बताऊंगा कैसे करना है, ये आपको पार्ट समझ में आए तो आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैंने सॉल्व कैसे करना है मीन्स इसका यूज कैसे है, मीन्स ये सब चीज़ें 11th में भी है, 10th में भी है, 9th में भी है, 12th में भी है, कुछ कंसेप्ट के लिए हैं। ओके, जेई मेंस में इसका बहुत यूज होने वाला है क्योंकि जेई मेंस में क्वाड्रेटिक पार्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड है, मींस कभी-कभी कॉम्प्लेक्स वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर की बातें करेंगे, एक तारीख से हम 11 स्टार्ट कर रहे हैं, ब्रिज कोर्स हमारा कुछ टाइम पे मींस कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाएगा, मींस 20 लेक्चर्स होंगे हमारे मैथ्स के जिसमें ब्रिज कोर्स आपका कवर हो जाएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 11 के टॉपिक्स इजीली इजी मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो ये वाला पार्ट समझ में आया तो ये एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अभी एग्जांपल क्या है देखो, एग्जांपल है 3x square minus 11x minus 7, okay, 3x, देखो, वापस करते हैं, 3x square minus 11x minus 7 is equal to 0, यही थे ना, 3x square minus 11x minus 7, ठीक है, चलो, इसी मेथड जो अभी मैंने सॉल्व किया ना, ऐसे ही आपको करना है, पहली समझने वाली बात यह है, इस वाले पार्ट में से, इस 7 को साइड में रखो, इस वाले पार्ट में से 3 को कॉमन लो, तो क्या हो जाएगा, 3 इन ब्रैकेट क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 11 अपॉन 3x, ओके, और इसको माइनस 7 को बाहर ही रखो, ओके, इसके आगे सर क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला वैसे ही, सेकेंड टर्म को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 3 इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, या क्या बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा, 2 बाहर आएगा, तो 11 अपॉन 2, 3 जस 6, यहाँ पे 6 आएगा, ब्रैकेट कंप्लीट x, अभी मैंने बताया था, इस 2 को और x को जरा साइड में रखो, 11 अपॉन 6 का स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा प्लस 121 अपॉन 36, और उसको हम क्या करेंगे, वापस सब्सट्रैक्ट करेंगे, 121 अपॉन 36, और लास्ट का नंबर क्या है, माइनस 7, ओके, माइनस 7, ओके, तो इसको हम जरा थोड़ा सा इस पार्ट में से, ओके, इस वाले पार्ट में से ऐसे करते हैं, इज इक्वल टू 0, ओके, चलो सर, इसके आगे क्या हो जाएगा सर, 3 एज इट इज रहेगा ब्रैकेट में, कोई मुझे जरा बताएगा यहाँ पे इस वाले पार्ट का मतलब क्या होता है, x माइनस 11, सॉरी, इसका मतलब क्या होता है, 11 अपॉन 6 ब्रैकेट स्क्वायर, ओके, ठीक है, उसके बाद ये इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, अभी देखो 121 अपॉन 36 एक कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है, तो चाहिए तो इसको आप आगे लिख सकते हो माइनस 121 अपॉन 36, ओके, माइनस 7 ऐसे लिख सकते हो इसको, ओके, चलो सर, इसके आगे क्या हो जाएगा सर, माइनस एन से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 3 इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, x माइनस 11 अपॉन 6 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 121 अपॉन 36 प्लस 7, इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हो, कर सकते हो
इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बहुत इजी है। आप चाहिए तो 11 का टेक्स्ट बुक, 10 का टेक्स्ट बुक निकालो, इसी मेथड से आपको दिया हो भी जाएगा। मीन्स जो हम बीच में कैलकुलेशन करते हैं, जो कैलकुलेशन करने का जो टर्म वहाँ पे आती है उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है और उसको ऐड सब्सट्रैक्ट करना है। बट कॉन्स्टेंट टर्म, आपकी जो कॉन्स्टेंट टर्म इक्वेशन में दी है उसको, वो लास्ट में ही आएगी, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको समझ में आया, ऐसे में समझता हूँ, ठीक है। इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मींस ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, कभी भी याद रखो, ये जो ब्रिज कोर्स है ना, ये आपके लिए चल रहा है, आपके बेसिक्स अच्छा हो जाए। इसलिए स्वराज्य, जो हमारा स्वराज्य एकेडमी है, वो क्या कर रही है, बेसिक से स्टार्ट करें, क्योंकि बेसिक आप बच्चों को समझ में आए ना, तभी इंटरेस्ट हर एक सब्जेक्ट में बढ़ जाएगा आपका। इसलिए मैं बोलता हूँ किसी चीज़ को समझना है, कभी कभी क्या होता है, लिखते लिखते मेरा आगे पीछे भी हो जाएगा, बट कभी याद रखो उसको आपको क्या करना है, कमेंट करने से, मीन्स कमेंट आपको करनी है, बट उससे उसको अपने रफ नोटबुक में, मीन्स वो मुझे बाद में समझ में आएगा कि मैं क्या मिस्टेक हुई है, बट आप वहाँ पे क्या करो कि वहाँ पे क्या रफ नोटबुक में जो वहाँ पे गलत आ चुका है, जो भी आगे पीछे स्टेप हो चुकी है, उसको सही करने का ट्राई करो। इससे क्या हो जाएगा पता है आपको, वो मिस्टेक भी समझ में आएगी और आपकी वो मिस्टेक नेक्स्ट पेपर में नहीं होगी, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मीन्स मैंने बहुत सारे 3-4 टॉपिक्स लिए उसके ऊपर, मीन्स वही टॉपिक क्यों लिखे, उसके ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके मेंस में आते हैं, एनडीए में ज़्यादा वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो सिंपल जो कंसेप्ट है वो मैं ले रहा हूँ, आगे और भी 10-12 और 6-7 लेक्चर्स होगी, उसमें ये ब्रिज कोर्स हमारा कवर हो जाएगा, ओके। ये सब आपके लिए चल रहा है, ओके। जो जो मैं देता हूँ उसके आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं मिलती है तो वहाँ पे जो नंबर दिया है वहाँ पे नंबर पे मैसेज करो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। आपका काम है इसको, वीडियो को पॉज करो, अपने हिसाब से सॉल्व करने का ट्राई करो, ये सब आपके लिए चल रहा है, ठीक है। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में, मीन्स ये टॉपिक कोई नहीं है, टॉपिक का नाम नहीं है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, बेसिक कंसेप्ट क्या क्या होती है मैथमेटिक्स में, वो उन चीज़ों की हम बातें करने वाले हैं, ओके। आगे भी और भी कुछ लेक्चर्स आएंगे, उसमें डिस्कस हो जाएगा, कभी कभी आगे पीछे हो जाएगा, ओके। सुमित सर को संभाल के लो, क्योंकि वो क्या करते हैं, पूरा नॉलेज इकट्ठा करके आपके लिए लाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ सोचो समझो और फिर पढ़ो और प्रैक्टिस भी करो, ये बात मैं करना चाहूँगा, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके आगे वाले और कुछ कंसेप्ट वो देखेंगे और उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे सुमित सर के साथ। फिलहाल के लिए आज के लिए अलविदा। हमारा जो चैनल है स्वराज्य इंफिनिटी, वहाँ पे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, सुमित सर #सुमित सर डालना भूलना नहीं है, ओके। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ओके बाय।